तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सौंफ का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। सौंफ का बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है, यह हर घर में डिमांड रहता है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती क्योंकि यह एक तरह से सूखा बिजनेस है। सूखा बिजनेस को होने के साथ साथ यह ख़राब होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आज अगर आप लाएंगे तो आज से एक महीना डेढ़ महीने तक आराम से रखा जा सकता है। तो यह बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि इसमें नुकसान होने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि यह सूखा बिजनेस है। यह हर घर का रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए इसमें डिमांड और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो खाने पीने वाले आइटम होते हैं उसमें हमेशा प्रॉफिट ही रहता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। तो सबसे सस्ता कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीजों की आवश्यकता हो, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। सबसे सस्ता कहां से खरीदें, तो आप इसको गुजरात में खरीद सकते हैं, राजस्थान से खरीद सकते हैं। ये दो स्टेट ऐसा जहां पर बहुत मात्रा में आपका सौंफ होता है, जैसे गुजरात में यहां पर दिया हुआ प्रोडक्शन 96.77 और उसी तरह राजस्थान में 30.72, उसी तरह वेस्ट बंगाल में 1.03 है और उत्तर प्रदेश में 0.67 है। तो इस हिसाब से ये गुजरात और राजस्थान अच्छा है, प्रोडक्शन वाले राज्य है। तो आप यहाँ ये दोनों स्टेट जा करके सौंफ को वहाँ से खरीद करके आप अपने स्टेट में ला करके अच्छा मुनाफा कमा सकते। तो दोस्तों, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जल्दी जान लेते हैं। जैसे आप एक मीट्रिक टन मंगाते हैं सौंफ, जैसे कोई भी छोटा गाड़ी में एक मीट्रिक टन आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आपको एक मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 किलो। और अगर आपको होलसेल में 200 रुपए पर केजी मिलता है, उस हिसाब से आपको सीधा सीधा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप जितना भी कर सकते हैं, लेकिन अब जानते हैं कितना प्रॉफिट होता है अगर इस बिजनेस करेंगे। तो सिर्फ 20 रुपए पर किलो मार्जिन लेकर चलेंगे तो 1000 किलो के हिसाब से पर किलो में अगर हमको 20 रुपए भी बचता है, जैसे शुद्ध 20 रुपए बचता है, जैसे आप ट्रांसपोर्टिंग और लेबर चार्जेस को छोड़ करके, तो आपको सीधा सीधा 20,000 रुपए प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, आप 1000 किलो मंगाएं तो हो सकता है वो एक ही दिन में बिक जाए, हो सकता है एक हफ्ते में बिक जाए, हो सकता है एक महीने लग जाए, क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और होलसेल में क्या होता है दोस्तों, 1000 किलो कोई बड़ा भारी नहीं है, क्योंकि आपसे जो सब होलसेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो ठेला वाले होते हैं, जो शॉप वाला होता है, जो किराना वाला होता है, सारे आपसे ही लेंगे। तो 1000 किलो कोई बड़ा भारी नहीं है। आप अपने ज़िले में पूरा अगर अच्छा व्यापार स्थापित कर लेंगे तो एक ही दिन में बिक जाएगा, तो आप एक ही दिन में 20,000 रुपये कमा देंगे। फिर आप एक मीट्रिक टन मंगाएंगे, ये रनिंग रहे क्या रहेगा, आप एक मीट्रिक टन को स्टॉक रखिए और एक मीट्रिक टन को रनिंग रखिए, ताकि ये बिकेगा फिर से आप ऑर्डर करेंगे, फिर आप जो स्टॉक रखे वो बिकते रहेगा। तो इस हिसाब से आपका रूटीन बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कैसे मंगाएं। आप या तो डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू मंगा सकते हैं, या वहाँ के किसान से मिलकर ले सकते हैं। अब किससे संपर्क करें, तो आप डायरेक्ट वहाँ के किसान से ले सकते हैं, या तो फिर इंडिया मार्ट के वेबसाइट में लेके जा सकते हैं। तो इंडिया मार्ट के वेबसाइट के लिए चलिए आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसे सर्च करना है। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है इस तरह से, इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया, जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर, कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। तो दोस्तों, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों जैसे आप सौंफ का होलसेल बिजनेस करते हैं, तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपके पास एक खुद का दुकान होना चाहिए, दुकान के साथ साथ एक गोडाउन होना चाहिए, गोडाउन के साथ साथ आपके दुकान का एक GST नंबर होना चाहिए। GST नंबर क्या होता है दोस्तों, हम क्या जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसके लिए GST नंबर हमको ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। इसको आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी CA से करवा सकते हैं, या किसी अकाउंटेंट से करवा सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट है दोस्तों, कम से कम एक स्टाफ। तो दोस्तों, कोई भी होलसेल बिजनेस करेंगे उसमें कम से कम आपको एक स्टाफ जरूर रहेगा, उसके ऊपर आप जितना भी रख सकते हैं, क्योंकि एक स्टाफ रहेगा तो अपना दुकान का देखेगा, गोडाउन को देखेगा, और साथ में जो बैंकिंग का काम रहता है उसको भी देख लेगा, और जो वसूली का काम रहता है उसको भी देख लेता। तो जनरल टाइप से आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन